वैसे भाई लोग, वन प्लस एट पर आज अपन BGMI गेम प्ले टेस्ट करेंगे। वैसे इस डिवाइस पर 90 FPS का ऑप्शन BGMI के इस अपडेट के बाद वापस आ चुका है और इस डिवाइस के मैक्स ग्राफिक्स अल्ट्रा HD तक जाते हैं बस। तो यहाँ से आगे डिवाइस के ग्राफिक्स को अपन स्मूथ पर 90 FPS करके कलरफुल 4X करके सेव करते हैं। वैसे भाई लोग, वन प्लस एट को लेकर मैं सीधे उतर गया ड्रैगन बॉल सुपर थीम मोड पर। वैसे इस डिवाइस को समथिंग 4 साल कंप्लीट होने को आया है, लेकिन भाई साहब 4 सालों की गेमिंग के बावजूद डिवाइस अभी भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। हाल फिलहाल सामने की ओर पर एक बंदा नॉक फिनिश और एक और बंदा नॉक था, लेकिन भाई साहब उसका किल मिला नहीं मुझको। यहाँ से आ गया हमें ये कैंपर मिला, ये कैंपर नॉक फिनिश। वैसे भाई लोग, डिवाइस में आपको स्नैपड्रैगन 865 का 5G चिपसेट मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस 2023 के अंदर अच्छी खासी है। ये देखिए दो कैंपर, और इस डिवाइस का अंतुतु स्कोर समथिंग 600 के मींस 6 लाख के आसपास आता है। सामने वाले बंदे मेरे हिसाब किताब से हमारे ऊपर बमबाजी करने की कोशिश कर सकते हैं, इसी कारण मैं आगे रोटेशन लेकर आगे की ओर पर, यहाँ पर आते बराबर मैं करता हूँ बंदूक के ऊपर बमबाजी। दो बंदे ब्लास्ट, इन बंदों को ब्लास्ट करते बराबर बंदूक के ऊपर चिमनी चुमनी फेंका। सो फाइनली बंदों की पेटी बनाने के बाद मैं यहाँ पर वेट कर रहा था, एक बंदा दिखा, ये बंदा नॉक। इस बंदे को पकड़ने के बाद मेरे हिसाब किताब से वहाँ पर एक और बंदा है, ये बंदे रिवाइव बाजी कर रहे हैं स्मोक डालकर। सो यहाँ से आगे उड़ता सलमान खान बनकर मैं जाता हूँ सबसे मेन कबीले पर। ये देखिए मेरे जस्ट सामने की ओर पर एक बंदा आया था, ये नॉक। नीचे एक और बंदा है, ये नॉक। दो बंदे थे यहाँ पर। वैसे भाई लोग, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इस डिवाइस पर गेम स्पेस का सिस्टम स्टेटस यूज किया हूँ, जिससे आपको डिवाइस के FPS के साथ CPU एंड GPU की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से आगे मतलब पीछे की ओर पर एक बोट है, और मेरे ख्याल से ये बंदा है शायद, ये बंदा नहीं है भाई साहब, ये गाड़ी है टू व्हीलर। यहाँ से आगे जाता हूँ, बंदे तो भाई साहब ये पत्थर के पास है। उड़ता सलमान खान, एक बंदा नॉक, दो बंदे नॉक हुए थे, और यहाँ पर टेलीपोर्ट बंदा, गजब सीन, ये पूरे बंदे फिनिश। हाल फिलहाल आजकल वीडियोस पर लाइक कम होते जा रहे हैं भाई साहब, मुझे लगा था दिन पर दिन लाइक बढ़ेंगे, साला कम कैसे हो रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। एक बंदा उतरा था यहाँ पर। वैसे भाई लोग, क्या मुझको हर वीडियोस पर, मेरे कहने का मतलब वीडियो के शुरू पर लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कीजिए कीजिए, ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा क्या? हाल फिलहाल मुझे पता है ये सब इरिटेट करने वाले वर्ड्स हैं, तो इसी कारण मैं नहीं बोलता। वैसे भी मेरी YT फैमिली बहुत ज़्यादा समझदार है, वो खुद करने लगती है, सो ये चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ से आगे मैच पर वापस आता हूँ मैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाली चिमनी के पास दो बंदे नॉक फिनिश किया मैंने, पीछे की ओर पर एक बोट दिखा, ये बोट सीधे फिनिश। वैसे इस डिवाइस ने अभी तक 75, 80, 82, 87 ऐसे कुछ FPS को प्रोवाइड किया है, और हाँ बीच बीच पर 90 FPS भी आता है भाई साहब। ये कोर बोट था, यहाँ पर आजकल बोट भी आ रहे हैं। सो आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, फिलहाल मैं आपको बता दूँ डिवाइस की बैटरी 4 साल पुरानी है, जिसके चलते 3 घंटों से ज़्यादा मैं इस डिवाइस पर गेमिंग नहीं कर पा रहा हूँ। एक बंदा आ चुका है यहाँ पर, बड़ा खतरनाक शॉटगन बाज बंदा। इसके पास शॉटगन थी क्या? जी नहीं, म्यूटेंट चला रहा था ये। बंदे की पेटी डालने के बाद हमारे भाई के अनुसार दीवार के पीछे एक बंदा है स्प्रे बाज, ये बंदा सीधे फिनिश। हाल फिलहाल ये किल हमारे भाई का था, लेकिन भाई साहब क्या कर सकते हैं, उड़ता सलमान खान किल को चुरा लेता है। एक बंदा ऊपर, ये बंदा नीचे है, ये नॉक, बंदा फिनिश। सो ये कैंपर बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं जा रहा था मिलिट्री बेस, लेकिन भाई साहब ब्रिज कैंपिंग कर रहे थे बंदे लोग। ये एक बंदा दिखा, गलत जगह पर, ये बंदा सीधे फिनिश। इस बंदे की पेटी बनाने के बाद सामने की ओर पर बंदे हैं,
जो कि स्प्रेबाजी कर रहे भाई साहब। यहाँ से आगे जाकर सबसे पहले बंदे की पेटी लूटूंगा, क्योंकि भाई साहब बंदे के पास ओम थी। ओम को उठाने के बाद ये देखिए गजब सीन, स्प्रेबाजी ना जाने ये बंदा जबरदस्ती स्प्रेबाजी क्यों कर रहा था। यहाँ से आगे इस बंदे को AWM का फटका मारना होगा। इस बंदे की मुंडी दिख रही थी, लेकिन भाई साहब ये नॉक, क्रिस नॉक। इस क्रिस को नॉक करने के बाद यहाँ से आगे आप गजब सीन देखिएगा, हील अप कंप्लीट करते बराबर मैं स्कारल से नॉक, दूसरे भाई स्कारल से नॉक, तीसरे भाई भी स्कारल से नॉक और चौथे भाई स्कारल से फिनिश। तो ये था BGMI की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक स्कारल बाज। मेरे ख्याल से बंदा हैकिंग का यूज कर रहा था, फिलहाल कोई समस्या ही नहीं। वैसे भाई लोग OnePlus 8 की परफॉर्मेंस BGMI के अंदर सन 2023 पर अच्छी खासी है, और खासकर BGMI के इस अपडेट पर डिवाइस अगर अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है तो भाई साहब डिवाइस पर अभी भी बहुत सारी जान बाकी है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।